23 मार्च को लखनऊ जा सकते हैं भाजपा के पर्यवेक्षक अमित शाह। रघुवर दास का कल नहीं जाने का कार्यक्रम। 25 मार्च को यूपी में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 24 मार्च को यूपी भाजपा विधायक दल की होगी बैठक। पार्टी के विधायकों को बैठक में बुलावा भेजा गया है। 24 मार्च को चुना जाएगा विधानमंडल दल का नेता। दिल्ली में अमित शाह के घर उत्तराखंड सरकार को लेकर हुई बड़ी बैठक। बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष रहे शामिल, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक भी रहे मौजूद। सीएम फेस को लेकर हुई चर्चा। अमित शाह के घर बैठक में जाने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमारे पास सीएम फेस की कमी नहीं है, उत्तराखंड की जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड के सीएम को लेकर दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक के घर हुआ मंथन। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशंक के साथ की बैठक। धामी ने कहा, विधायक दल की कल शाम होगी बैठक। कल विधानसभा में शपथ लेंगे उत्तराखंड के सभी विधायक। विधायक दल की बैठक में सबसे पहले सभी विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे विधायकों को शपथ। सोमवार को होगी उत्तराखंड भाजपा के विधायक दल की बैठक। 21 मार्च को देहरादून पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने की खबर। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी उत्तराखंड कांग्रेस। 21 और 22 मार्च को पार्टी चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगी। देहरादून में होगी कांग्रेस की ये समीक्षा बैठक। कांग्रेस के जीते हुए विधायक और प्रत्याशी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को भेजी 17 नामों की लिस्ट। सुरेश खन्ना, रमापति शास्त्री, माता प्रसाद पांडे, सतीश महाना, रघुराज प्रताप सिंह का नाम शामिल। आजम खान का नाम भी लिस्ट में मौजूद है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब बसपा फिर से काडर नेताओं की टीम करेगी तैनात। इसी महीने हो सकती है बसपा के प्रदेश संगठन की बैठक। बैठक में कई ऐलान कर सकती है मायावती। भाजपा आज जारी कर सकती है बाकी 6 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम। शनिवार को जारी की गई थी 30 प्रत्याशियों की लिस्ट। सपा से भाजपा में आए कई चेहरों को मिला मौका। स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी है चिट्ठी। यूपी में भाजपा की जीत को लेकर इस चिट्ठी में किया गया जिक्र। लिखा, पीएम के मार्गदर्शन में मिली जीत। यूपी में पुलिस महकमे के कई यूनिट्स में 900 पद सृजित। एटीएस में भी बढ़ाए गए 68 पद। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए 61 पद। हर जिले में फिंगरप्रिंट यूनिट बनाई जाएगी। 8 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए 147 पद। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पल्स पोलियो महाअभियान का किया आगाज। 28 मार्च तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 3,40,00,000 बच्चों को ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य। सीएम बोले, यूपी में कोरोना प्रबंधन की हुई तारीफ। योगी ने इस मौके पर कहा, स्वस्थ भारत अभियान सशक्त भारत अभियान का हिस्सा है। सब लोग एक साथ सामूहिकता से जुड़ेंगे तो इसके सफल और सार्थक परिणाम सामने आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के अलावा बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष भी चलाया गया है। मासूमों को पूरा टीकाकरण कवरेज समय पर देना होगा। ये हर एक बच्चे का अधिकार है, तो हम सभी का दायित्व है। पीलीभीत में मामूली कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे, एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट में कई लोग हुए घायल। 3 घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर में रेफर किया गया है। गांव के ही दबंग युवक पर अपने साथियों के साथ मारपीट का आरोप है। थाना सोनगढ़ी क्षेत्र की चिड़ियादा गांव का यह मामला है। जौनपुर के देवरिया गांव में डायल 112 की टीम पर हमला हुआ। एक पक्ष के लोगों ने पुलिसकर्मियों को डंडों से पीटा, पथराव भी किया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल है, बाकी पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई। जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। विवादित जमीन के निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद। बागपत के फतेहपुर पुट्टी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। पसंद के उम्मीदवार को वोट ना देने पर हुआ विवाद। 2 दिन बाद मारपीट का वीडियो वायरल। दोनों पक्षों के 13 लोग हुए थे घायल। गाजीपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक। घर में घुसकर लोगों से मारपीट की। लाठी डंडों से लोगों को पीटते हुए सीसीटीवी में कैद हुए दबंग। महोबा में तमंचे के नाल में गांजा भरकर पीते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवैध तमंचों का खुलेआम प्रदर्शन भी किया गया। पिपरा माऊ गांव के बताए जा रहे हैं युवा।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 1761 लोगों को हुआ कोरोना, 127 लोगों की मौत भी हुई, 3196 लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण का टोटल आंकड़ा हुआ है 4,30,07,841। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर पहुंची 26,240। महामारी से देश भर में अब तक 5,16,479 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। इसके अलावा 4,24,65,122 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत बीते दिन 15,34,444 लोगों को दी गई डोज। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ है 181,27,11,675। रायबरेली में मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से की गई हत्या। गांव के बाहर खेतों के पास बना था मंदिर। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। महाराजगंज के मदनखेड़ा गांव की वारदात। प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन में शौचालय के अंदर महिला यात्री से शौचालय संचालक ने किया रेप। घटना के वक्त सामान लेने गया था महिला का पति। पीड़िता की तहरीर पर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। व्यापारी से लूटपाट करने वाले दोनों बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए हैं। दो दिन पहले किराना व्यापारी से लूटे थे 25,000 रुपए। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। सीतापुर के थाना खैराबाद में पुलिस और स्वात टीम ने वांछित अभियुक्त आरिफ को 4 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पौड़ी में नए बस स्टेशन के पास दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। एक साथ 7 दुकानों के ताले तोड़े। 60,000 नकदी और 40,000 रुपए तक के सामान पर हाथ साफ किया। व्यापारियों ने थाने में दी तहरीर। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाकर बाहर निकाला और बीती देर रात घर से किसी काम से निकला था एक युवक। पलिया चांदपुर गांव का ये मामला। फरुखाबाद के हाजियापुर गांव में दो पक्षों में गोलीबारी हुई। फायरिंग में एक की मौत हुई है। 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र। रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। प्रयागराज में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मेडिकल कॉलेज कैंपस में संविदा कर्मचारी का मिला है शव। युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। भूरपुर तालाब के किनारे मिला ज्ञात युवक का शव। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 ट्रकों में लगी भयंकर आग। दोनों ट्रक आग में जलकर हुए खाक। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के जहानीखेड़ा का मामला। सोनभद्र में कार और बाइक में हुई आमने सामने टक्कर। बाइक सवार दंपत्ति की हुई मौत। पति पत्नी सहित 2 मासूम बच्चों की भी मौत। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मकान की छत गिरने से घर में सो रही 3 साल की मासूम की मौत हो गई। जर्जर हालत में था लगभग 50 साल पुराना मकान। धमाके की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप। मामले की जांच में जुटे प्रशासनिक अधिकारी। सहारनपुर में कोतवाली मिर्जापुर में जीप अनियंत्रित होकर गांव पांडली के खाई में जा गिरी, जहां थाना प्रभारी के चोटिल होने की खबर है। जीप को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। बड़ा हादसा होने से टला। आगरा में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बस पलटने से करीब 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। लखनऊ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। कार के उड़े पर खच्चे। नशे में धुत होकर कार चला रहा था युवक। पक्के पुल टीले वाली मस्जिद के पास का है ये मामला। पीलीभीत के माधो टांडा इलाके में बेकाबू कार ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। घर से सब्जी खरीदने मंडी जा रहे थे टेम्पो सवार युवक। हादसे में घायल लोग जिला अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में बीच बाजार खड़ी स्विफ्ट कार बनी आग का गोला। आग लगने से बाजार में मचा हड़कंप। दुकानदारों ने आग पर पाया काबू। सूचना के बाद नहीं पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख से की मुलाकात। मोहन भागवत से करीब 40 मिनट हुई बातचीत। भागवत को 25 मार्च को शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने मुलाकात की है। यूपी में जीत के लिए टेनी ने जेपी नड्डा को बधाई दी है। लखीमपुर में भाजपा ने जीती है सभी विधानसभा सीटें। सपा विधायकों की बैठक का बदला गया वक्त। 21 मार्च की जगह अब 26 मार्च को होगी बैठक। 26 मार्च को अखिलेश चुनेंगे विधायक दल का नेता।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर दिया अपना फीडबैक। त्रिवेंद्र रावत ने नड्डा के साथ मुलाकात की, फोटो भी ट्वीट की। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने किया निरीक्षण। डीजीपी मुकुल गोयल और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी रहे मौजूद। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने भी स्टेडियम का किया मुआयना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को किया हरिद्वार का दौरा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का किया उद्घाटन। दक्षिण एशियाई देशों के बीच बेहतर तालमेल के लिए स्थापित की गई है यह संस्था। अमरोहा में भाजपा विधायक राजीव तरारा के योगी के गाने पर डांस करते वीडियो हुआ वायरल। दोबारा योगी सरकार आने की खुशी में गाने पर झूमते दिखाई दिए भाजपा विधायक। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन फिरसाली ने मसूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाजपा में सीएम फेस को लेकर साधा है निशाना। कहा पार्टी में बचे घमासान के चलते मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे। अमेठी में बसपा प्रत्याशी की दबंगई का वीडियो वायरल। गौरीगंज से बसपा के उम्मीदवार रहे राम लखन का धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ। मुंह में पिस्टल डालकर गोली मारने की कही बात, जमकर गालियां भी दी। लखनऊ में सरेराज युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल। भी सड़क युवती के बाल पकड़कर खींचते और पीटते हुए युवक कैमरे में हुआ कैद। गोमती नगर के रामासरे पूर्वा का है मामला। ग्रेटर नोएडा के स्टर्न पेरिफेरल हाईवे के बीच अकबरपुर टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने किया हंगामा। सैलरी न मिलने से नाराज हैं कर्मचारी। टोल प्लाजा अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हंगामा और प्रदर्शन। दो पक्षों के बीच विवाद के मामले में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे कार्यकर्ता। पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का है आरोप। एटा के सुन्ना हाईवे पर बुलेरो और कार की टक्कर के बाद बवाल हुआ। दो पक्षों ने किया पथराव, मारपीट और फायरिंग। ग्रामीणों की फायरिंग में बचे दरोगा। पुलिस को मौके से मिले दो खोखा कारतूस। हमलावरों की धरपकड़ जारी। सवालों के घेरे में आगरा पुलिस। गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किए गए आरोपी आराम से टहलते हुए नजर आए। सीसीटीवी में कैद आरोपियों के घरों की जाते हुए तस्वीर भी दिखी। लखनऊ के यासीनगंज इलाके में घरेलू कलह के चलते युवक ने लगाई फांसी। परिजनों ने आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में करवाया भर्ती। हॉस्पिटल में युवक ने तोड़ा दम। बहराइच में कोतवाली देहात इलाके में युवक का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। गांव से गायब हुए युवक का तालाब में मिला था शव। हत्या का आरोप लगाकर की इंसाफ की मांग। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर माने परिजन। आजमगढ़ की राजभर बस्ती के लोगों के साथ मारपीट और अभद्रता। सपा को वोट देने पर दबंगों ने की मारपीट। दबंगों की पिटाई में कई लोग जख्मी हुए। बस्ती में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर में डीजे पर डांस को लेकर विवाद के बाद हुआ पथराव। पांच महिला सहित करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। नग्न अवस्था में डीजे पर डांस कर रहा था युवक। विरोध करने पर हुआ बवाल। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर का है मामला। मार्च महीने में बढ़ रही गर्मी से लोगों की बढ़ी परेशानी। लखनऊ में मार्च में तापमान पहुंचा 36 डिग्री के पार। तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। गर्म हवाएं और चिलचिलाती धूप से लोग बेहद परेशान। रामनगर वन प्रभाग के चेतावनी जोन में बंद होने के बिना घूमे ही वापस लौटे हैं पर्यटक। जिप्सी चालकों को भी झेलना पड़ा काफी नुकसान। चेतावनी जोन में बाघ गुलदार सहित सभी वन्य जीव के दीदार के साथ ही जंगली सफारी देखने के लिए आते हैं पर्यटक। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई के काम में आई तेजी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 154 मजदूर बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। बर्फ साफ करते करते कुबेर गदेरे तक पहुंची थी। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम अचानक से मौसम ने करवट ली है। मसूरी में हल्की बारिश से मौसम हुआ है सुहाना। पर्यटकों की भारी भीड़ ले रही है मौसम का आनंद। हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट। मार्च महीने में ही जिस तरह से गर्मी और तपिश बढ़ी है उससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में आज सुबह के ही में पारा देख लीजिए 33 डिग्री के पार हो गया था और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में जिस तरीके से मार्च के महीने में ही तपिश बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है, उससे आम लोग खासे परेशान हैं। अगर हम
आज की बात करें तो इस वक्त अभी सुबह का वक्त है और अभी जो लखनऊ में तापमान है वो 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और जिस तरीके से मार्च महीने में यानी होली से पहले से ही ये गर्मी पड़नी शुरू हो गई, तपिश बढ़नी शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे मई का महीना है, क्योंकि इस तरीके से जो तापमान है, इस तरीके की जो गर्मी है, जो तपिश है, वो मई के महीने में अधिकतर रहती है, लेकिन इस बार मार्च के महीने में ही ये तपिश जो है वो बढ़ गई है। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी यानी सोमवार को जो तापमान है वो 38 डिग्री तक अधिकतम जा सकता है, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना। और अगर रात के तापमान की बात करें तो वो भी सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा बना हुआ है। और इस तपिश का, बढ़ती गर्मी का असर ये है कि राजधानी लखनऊ में जो बिजली की खपत है, जो डिमांड है, वो बढ़ गई है। तकरीबन 50 मेगावाट एक हफ्ते में ये जो डिमांड है वो बढ़ी है। पहले अगर हम बात करें तो वो 1050 मेगावाट के आसपास बनी हुई थी, लेकिन अब इस वक्त 1140 मेगावाट के आसपास केवल अकेले राजधानी लखनऊ में ही बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है। यानी जिस तरीके से ये पूरा मौसम आप देखिए, किस तरीके से अभी सुबह के वक्त ही ये धूप है इतनी ज़्यादा, इससे इतनी तपिश है कि लोग खासे परेशान हो रहे हैं। और जो लोग भी अपने घरों से हमें निकलते दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई सर पर टोपी लगाए हुए है, कोई गमछे का इस्तेमाल कर रहा है, तो बढ़ती तपिश, बढ़ती गर्मी ने लोगों को, आम जनजीवन को प्रभावित किया। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो पारा है वो और बढ़ता जाएगा। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।